हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आइए जान लेते हैं माता ब्रह्मचारिणी नव दुर्गा की दूसरी शक्ति के बारे में, इनकी उत्पत्ति, इनका पूजन विधि और इनकी कथा के बारे में। दोस्तों भारत की पवित्र भूमि में सर्वत्र कल्याण हेतु देवी व देवताओं की परम शक्ति की अनुभूति प्राचीन काल से ही चली आ रही। इस माया के प्रपंच में व्यक्ति नाना विधि जीवन में दुख, पीड़ाओं, दरिद्रता, रोग, भय, शत्रु से पीड़ित रहता है। अतः इन आए हुए दुखों के निवारण हेतु माँ दुर्गा के रूपों की आराधना होती है। माँ जगदम्बा के दूसरे रूपों को माँ ब्रह्मचारिणी के रूप से इस संसार में जाना जाता है। माँ की यह मूर्ति तेज बल तप से युक्त है, अर्थात माँ दुर्गा दूसरे दिन इस रूप में उत्पन्न होती हैं। ब्रह्मचारिणी ने अपने दिव्य तप के प्रभाव से राक्षसों को समूल नष्ट किया था। अपने श्रद्धालु भक्तों को अभिष्ट फल देने वाली तथा वरद हस्त रखे हुए है। ब्रह्मचारिणी माता के दाहिने हाथ में माला तथा बाएं हाथ में कमंडल शोभा पा रहा है। यह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ सच्चिदानंद से है, अर्थात जो सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करवा दे, यानी जिस देवी का स्वभाव पर ब्रह्मा की प्राप्ति करने को हो वही ब्रह्मचारिणी है। इनकी आराधना से व्यक्ति के जीवन में संयम, सदाचार, आत्मविश्वास, तेज बल व सात्विक बुद्धि का विकास होता है। अविवेक, असंतोष, लोभ आदि का अंत होता है। जीवन में उत्साह, धैर्य व साहस की वृद्धि होती है। व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सजग होता है, अर्थात जिससे जीवन सुखी, सुंदर, सचेत, स्फूर्ति से युक्त हो। जिनकी कृपा से स्त्री पुरुष की बुद्धि निर्मल हो, भय आलस्य दंभ का अंत हो, वही देवी ब्रह्मचारिणी है, अर्थात जीवन पथ को सुगम व व्यक्ति को पावन बनाकर उनका परम मंगल करने वाली। जीवन पथ पर पद भ्रष्ट हुए लोगों के लिए तथा कठिन समय में धैर्य व साहस खोने वालों के लिए यह माँ की प्रतिमा दिव्य प्रकाश के समान है, अर्थात वांछित लक्ष्य को भेदने तथा सफलता के कीर्तिमान गढ़ने की ताकत देने वाली यही माँ है। आइए ब्रह्मचारिणी माता का पूजन का विधान जानते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी श्री माँ दुर्गा का द्वितीय रूप है, जिनकी पूजा अर्चना नवरात्र के ठीक दूसरे दिन करने का विधान है। अतः ब्रह्मचारिणी माता की पूजा शास्त्र विधान के साथ करने का विधान है। संपूर्ण पूजा की वस्तुओं को एकत्रित करके सुचि अर्थात स्नान आदि क्रियाओं को संपन्न करके शुद्धता पूर्वक किसी मंदिर में माँ के सम्मुख व अपने घर में गणेश आदि देवी देवताओं का पूजन करके माँ का ध्यान अर्चन पूजन करने का विधान होता है। माता की पूजा में षडोपचार विधि का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपका वैभव साथ दे रहा हो तो वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सप्तशती का पाठ करवाना चाहिए। यदि आप अपने से पूजा कर रहे हैं तो शुद्धता का ध्यान रखते हुए पूजन शुरू करके माँ को स्नान आदि सहित धूप, दीप, सुगंधित इत्र सहित नैवेद्य आदि अर्पण करके माता को प्रणाम करना चाहिए और संपूर्ण पूजन को भक्ति भाव से माता को अर्पित कर देना चाहिए। आइए ब्रह्मचारिणी माता की कथा जान लेते हैं। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि ब्रह्मचारिणी माता का जन्म हिमालय राज पर्वत के यहाँ हुआ, जिनकी माता का नाम मैना था। एक दिन की बात है, ऋषिवर श्री नारद जी महाराज हिमालय के यहाँ घूमते घूमते जा पहुंचे। नारद के आगमन से उनको उनका बड़ा ही भव्य स्वागत सत्कार महाराज हिमालय के द्वारा किया गया। सभी हालचाल को जानने के बाद हिमालय राज ने कन्या के भी भविष्य के बारे में जानने की उत्सुकता प्रकट की। नारद जी द्वारा कन्या का हाथ देखकर हिमालय राज से उनके भावी जीवन का संपूर्ण हाल बताया, किंतु वैवाहिक जीवन में अवरोध की स्थिति सुनकर उनकी माता को लाने लगी और नारद जी के जाने के बाद अपने पति से पूछती है कि इस कन्या को कैसा पति मिलेगा, उसकी स्थिति क्या होगी। मुनि ने कहा, आदि सब सारी स्थिति को वह उनसे बताते हैं कि मुनि श्री नारद जी ने कन्या के वैवाहिक जीवन की सुगमता व
अन्य समस्याओं के निवारण हेतु व्रत तप करने के उपाय बताए हैं, अर्थात नारद जी के कहे हुए वचनों के अनुसार कन्या व्रत व तपस्या में लीन हुई और हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या की। माँ ने 1000 वर्ष तक जंगल में उपलब्ध फलों को खाकर तथा 3000 वर्ष तक कठिन तपस्या किया, जिससे गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरित मानस में इस प्रकार वर्णित करते हुए कहते हैं, कछु दिन भोजन वारी बतासा, कीन कछु के दिन कठिन उपवासा। अर्थात इस प्रकार की कठिन तपस्या व व्रत से देव समुदाय सहित साक्षात ब्रह्मा जी को प्रसन्न होकर जाना पड़ा, जिसमें ब्रह्मा जी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का वरदान दिया, जिससे इन्हें अनंत अविनाशी भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। इसलिए ये माता ब्रह्मचारिणी कहलाए। ब्रह्मचारिणी के कुछ मंत्र हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के आराध्य मंत्रों को अनेक स्थानों पर संबंधित ग्रंथों में दिया गया है, जिससे सतत कल्याण के विविध मंत्र समाहित है। जैसे सांसारिक जीवन में रूप लावण्य, जय यश को प्राप्त करने के लिए तथा काम व क्रोध के तप से बचने के लिए माता के मंत्र को विधि विधान पूर्वक अर्चना करके स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, नमो देव्य महादेव्य शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणाता स्मताम। दोस्तों, ब्रह्मचारिणी महात्म्य। माता ब्रह्मचारिणी के महात्म्य को दुर्गा सप्तशती में कई स्थानों पर वर्णित किया गया है। माँ के तप बल से संसार के प्राणियों को तेज व बल बुद्धि की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती के कुछ अंश को महात्म्य के रूप में भी वर्णित किया है। देवी को नमस्कार है। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि माता ब्रह्मचारिणी के बारे में, उनकी पूजन विधि, उनकी कथा और एवं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप